सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिकासन। दोनों हाथों को अपने हृदय के पास लाएं। 3 times टेक डीप ब्रेथ। 3 times ओम। गायत्री महामंत्र, डीप इनहेल, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री नमो नमः। दोनों हाथों को आपस में रैप करें, दोनों हथेलियों में उष्मा आ जाए, आंखों पे लगाएं, महसूस करें हथेलियों से प्राण शक्ति दोनों आंखों में जा रही है। अपने आप को इस क्लास के लिए प्रिपेयर कीजिए, मन को एकाग्र करते हुए दोनों आंखों को ओपन कीजिए। थैंक यू सौरभ जी। चलिए आज आपको वैलिडिटी प्रेजेंट करना है। वैलिडिटी पहले क्या है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। वैलिडिटी, ये वैलिडिटी का सबसे पहले हमें समझते हैं कि होता क्या है। तो ये ऑथेंटिसिटी होता है कोई भी चीज़ का। इसमें जो भी हम एक टूल्स यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च में, जैसे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को, जो भी हमारा योग में हम आसनास का इफेक्ट जो है हम डिजीज पे देख रहे हैं, तो इसमें ऑथेंटिसिटी हमारी जो भी टूल्स होगी वो वैलिडिटी कहलाएगी। ऑथेंटिसिटी ही वैलिडिटी है। और इसमें जो है ऑथेंटिसिटी, और ये 4 types की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंस्ट्रक्ट और स्टेटिस्टिकल। ये 4 type की वैलिडिटी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी होती क्या है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, और इसमें ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो इफेक्ट न करे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल होता क्या है। कंफाउंडिंग वेरिएबल हमारा होता है, जैसे हम देख इफेक्ट ऑफ यदि हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन आवर मेमोरी। तो हम मेडिटेशन करा रहे हैं किसी को और वो कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहा है जिससे बुद्धि हमारी मेमोरी पावर बढ़ रहा है, तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति को हम मेडिटेशन करा रहे हैं वो कोई अलग से दवा नहीं ले। और इसमें एग्जाम्पल थ्रू भी समझते हैं कि इसमें जो है हमें कंफाउंडिंग फैक्टर्स जो है हम इसको पूरी तरह से हमें रोक के रखना है। इसको हाई इंटरनल वैलिडिटी बोलते हैं। ठीक है, कोई और किसी को करेक्ट करना हो क्लास में, किसी को लग रहा हो कि सौरभ जी को करेक्ट करेक्ट करना है, कोई भी? कुछ गलत था क्या? नहीं, कुछ भी गलत नहीं बोला आपने। चलिए, वैलिडिटी का जो आपने डिफिनेशन दिया है ठीक है। अब मुझे ये बताइए कौन ज्यादा टफ है, रिलायबिलिटी या वैलिडिटी किसी रिसर्च में निकालना? मैम जो है देखिए मैम, होता है वैलिडिटी जो है ना ये रिलायबिलिटी हो सकता है लेकिन हर समय, लेकिन रिलायबिलिटी जो है हर समय वैलिडिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे वैलिडिटी है वहाँ पे रिलायबिलिटी होगा, लेकिन जहाँ पे रिलायबिलिटी है वहाँ पे वैलिडिटी नहीं होगा। ठीक है, गुड, अच्छी अच्छी बात है। अच्छा कहा आपने कि जो वैलिड रिसर्च है वो रिलायबल हो सकता है लेकिन एक रिलायबल रिसर्च वैलिड नहीं हो सकता है, क्यों?
क्योंकि मैम बहुत सारे जो रेबर रिसर्च है हमारा, उसमें वो हो सकता है कि उसमें कॉन्टिन्यूस आ जाए, मतलब स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन वो उसमें कुछ इरर हो सकते हैं, और वैलिडिटी में कोई इरर नहीं होता है, ये इरर प्रूफ होता है। वैलिडिटी किससे हम लोग मेजर करते हैं? ऐसा रिसर्च में क्या होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कि रिसर्च ज्यादा वैलिड है? इसमें ऑथेंटिसिटी होता है मैम, जो ये ऑथेंटिसिटी इससे किस मैं चीज मेजर को? करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी, हमारे जो टूल्स हैं उस पे, और जो हम रिसर्च जो भी हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे, ठीक है। जो भी हम ना, ये हमेशा मेजरमेंट से होता है, जो इसकी ऑथेंटिसिटी कह रहे हैं ना, वो जी मैम, हमेशा इस असेसमेंट टूल जो हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था कि मेरे पॉपुलेशन का जो एज था वो था 11 से 17 साल, ठीक है। तो मैं जो भी टूल लूंगी वो 11 से 17 साल के बच्चों का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 18 से 21 साल का ले लिया हमने, ठीक है। जी वो बच्चों का था तो वो जी बच्चों के लिए ही होना चाहिए वो असेसमेंट टूल। जी मान लीजिए मुझे बच्चों का ऐसा एंजाइटी और डिप्रेशन नापना है, तो उसमें एंजाइटी डिप्रेशन में वो बच्चों के लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी एडल्ट का यूज मैम, करके, ठीक है। तो जो उसकी जी ऑथेंटिसिटी है वो उसके असेसमेंट टूल की होनी चाहिए, जो जो चीज आप नापने में यूज कर रहे हैं, जो भी चीज रिसर्च में जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए आपकी, जी मैम, ठीक है। चलिए जी मैम, अब हम टाइप्स ऑफ इसका शुरू। और इसमें हाँ भी मैम, बताइए। यदि हम जो एनजाइटी का हम स्टेज ले रहे हैं, यदि कोई थर्ड लेवल का, तो उसमें जो भी हमारे सैंपल होंगे थर्ड लेवल के ही होंगे, वो फर्स्ट सेकेंड लेवल के नहीं होंगे। ऐसे लेवल का मतलब फर्स्ट सेकंड लेवल का मतलब? मतलब किसी को एनजाइटी का मैम थोड़ा सा हाँ हाँ मीडियम है, और किसी को बहुत ज़्यादा है, इस बेसिस पे, नहीं, इस वो तो बेसिस देखिए, पे। देखिए वो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम पहले ये नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हाँ किसी की एंजाइटी लेवल जो है ज्यादा है कम है, वो हम डेटा के थ्रू ही निकाल सकते हैं। जी हम ऐसा नहीं कर सकते कि जिसकी एंजाइटी लेवल जो है, ये हम रेंडमाइजेशन में यूज करते हैं। जब हम रेंडमाइज दो ग्रुप में जब बराबरी का काम करते हैं ना, तो उस जी समय हम देखते हैं कि हमारे सैंपल, मतलब मान लीजिए कोई डायबिटिक है तो हो सकता है उसको एंजाइटी भी हो सकता है उसको डिप्रेशन भी हो, ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। तो मिक्स डेटा आता है हमारे पास, इसीलिए हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। इसीलिए जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हमने पढ़ा था ना कल, तो इसीलिए हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं कि हमारा डेटा कैसा, मतलब एवरेज डेटा क्या, एवरेज जो पॉपुलेशन है, एवरेज जो सैंपल है वो कैसा है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है, वैलिडिटी सबको समझ में आ गया क्या होता है, क्लास में जितने लोग भी है, कोई भी किसी का भी डाउट है हाँ बताइए। मैम, अपना जो भी थेसिस है उसको वैलिड करना पड़ता है, उसको वो एक मेजर है, ऐसा बिल्कुल मुझे बिल्कुल। अब जैसे समझ। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं पहले भी आपको दी थी कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या पीएचडी करना है तो आप कौन सा एग्जाम देंगे, एमए का? अगर जेआरएफ आपको नेट, जेआरएफ या पीएचडी के लिए करना है एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, तो कौन सा देंगे? यूजीसी नेट का देंगे, है ना, क्योंकि हाँ हमारा मेजरमेंट किससे है, वो यूजीसी नेट के थ्रू है। हाँ और अगर आपको उसके पहले मास्टर डिग्री मांगते हैं वो, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो चीज हमें कर, जैसे कि हमें नेट जेआरएफ करना है और हमारे लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना होता है, वो वैलिड एग्जाम है अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो, है ना। हम मास्टर डिग्री करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं सकते हैं। तो उसी तरह जो है, हम जो भी अपने रिसर्च में जो भी टूल्स यूज करते हैं, असेसमेंट टूल समझते हैं ना आप लोग, जिससे हम लोग नापते हैं कोई चीज को, हाँ जी जैसे मैम, क्वेश्चन नेयर हो गया, बायोमार्कर हो गया, जितने भी जिस चीज से भी हम जो है डेटा हासिल करते हैं, उसका सही होना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। वही वही जो है, वही असेसमेंट टूल आपके वैलिडिटी को, रिसर्च के वैलिडिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यही वैलिडिटी और भी तरह के होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंटरनल है, एक्सटर्नल है, और भी बहुत तरह के होते हैं वैलिडिटी, लेकिन जी हमें उतना पढ़ना नहीं है नेट के लिए,
ठीक है, तो ये चार दिए हुए हैं, ये चार याद रहे यही काफी है आपके लिए। ठीक है, तो अब ये बताइए सौरभ जी, इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है? मैम इंटरनल वैलिडिटी होता है इसमें जो मैम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रभावित करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, और कोई भी कंफाउंडिंग वेरिएबल इसमें नहीं होना है, कोई भी कंफाउंडिंग वेरिएबल का इससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि हम मेडिटेशन करा रहे हैं किसी को मेमोरी इंक्रीज करने का, और वो कोई आयुर्वेदिक कोई संख पुष्पी एक आयुर्वेदिक दवा होती है वो उसका उसका यदि उसका उपयोग कर रहा है तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हम मेडिटेशन के थ्रू उनका मेमोरी पावर इंक्रीज हुआ या आयुर्वेदिक दवा के थ्रू। तो जो इंटरनल वैलिडिटी होता है ये मैम पूरी तरह से हमें इसका कंट्रोल रखा जाता है कंपाउंडिंग वेरिएबल का। कंपाउंडिंग वेरिएबल का बस इतना इतना ध्यान रखिएगा, पिछले साल इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ था, आप लोगों ने किया भी था है ना, कि लेस कंपाउंडिंग वेरिएबल नहीं एक्सटर्नल वैलिडिटी पे आया था आपका। ठीक है, तो जब भी इंटरनल वैलिडिटी होगा तो कंपाउंडिंग वेरिएबल से याद रखिएगा कि जिस भी रिसर्च में लेस कंपाउंडिंग वेरिएबल होगा वही है, उसका इंटरनल वैलिडिटी सबसे ज्यादा हो। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है इस इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है? किसी को भी कोई डाउट हो? सौरभ जी फिर से बता 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 दीजिए इसको, इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है? इंटरनल वैलिडिटी वो वैलिडिटी होता है जो इंश्योर करता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रभावित करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, और इसमें हमारे कंफाउंडिंग वेरिएबल लेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो है हमने किसी को मेडिटेशन कराया और उसका मेमोरी इंक्रीज करने का, और वो यदि आयुर्वेदिक दवा जो है कोई ड्रग्स ले उपयोग करें मेमोरी इंक्रीज करने का तो हमें तो पता नहीं चल पाएगा कि योग से इंक्रीज हुआ मेमोरी या दवा से। इसीलिए इंटरनल वैलिडिटी में लेस कंफाउंडिंग वेरिएबल होते हैं, इसीलिए इसको हम हाई इंटरनल वैलिडिटी बोलते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये कंपाउंडिंग वेरिएबल किस वेरिएबल को अफेक्ट करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को या डिपेंडेंट वेरिएबल को? डिपेंडेंट वेरिएबल को, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो किसी किसी से प्रभावित नहीं होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही डिपेंडेंट वेरिएबल प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि हमको जुखाम जुखाम है तो हम गर्म पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो गर्म पानी तो इंडिपेंडेंट है वो प्रभावित करेगा हमारे कोल्ड को। ठीक है, तो ये जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह एक्ट करता है, लेकिन जो है इफेक्ट करता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल की रीडिंग। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी मैम ये होता है कि इसमें जो स्टडी होता है ये टू इंश्योर दैट द स्टडी रिजल्ट कैन बी जनरलाइज अक्रॉस डिफरेंट स्टडी सेटिंग। इसमें क्या होता है मैम कि मतलब हम जो 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 भी हम रिसर्च करते हैं स्टडी करते हैं वो टू पार्ट्स में करके करते हैं। जैसे आपने PHQ-9 का एग्जांपल दिया था, उसमें नाइन क्वेश्चन हैं, हाँ हाँ ठीक है। 9 क्वेश्चन हैं और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए 5 और 4। ठीक है। तो 5 और 4 को डिवाइड कर दिए और मैम उसमें ये क्या ये होता है कि जो अलग-अलग हमने किया तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है ये देखते हैं। नहीं, एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है कि मान लीजिए मैं जो रिजल्ट मैंने जो रिसर्च मैं भी जो जो भी मॉड्यूल बनाई हूँ, मान लीजिए ठीक है, जो भी मॉड्यूल बनाई हूँ उसका जो रिजल्ट आया है ना रिसर्च में, वो रिजल्ट जो है आपका मैंने किया है, तो वही रिजल्ट कल को वही मॉड्यूल आप यूज करते हैं तो आपका भी वैसा ही रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, मतलब जी एक मैम जी रिसर्च मैम जी को हम कितने भी देखिए, इसमें है ना कि व्हेन स्टडी इज कंडक्टेड एट इन मेनी प्लेसेस, एक ही स्टडी को अगर आप कितनी बार भी करें उसका रिजल्ट जो है वैसा ही आएगा, एक्यूरेट ही आएगा, तो उसको हम बोलते हैं उस रिसर्च का एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है। जी जैसे मैम मान लीजिए मैं जो रिसर्च की उसका जो रिसर्च का रिजल्ट आया वो पहला रिसर्च था मेरा,
मान लीजिए कल को आपको वही रिसर्च आप रिपीट कर रहे हैं, मेरे ही मॉड्यूल को उठा करके आप फिर से एक रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट मेरा आया है वही रिजल्ट अगर आपका भी आएगा तो इसका मतलब है कि मेरे रिसर्च का इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है, ठीक है। ऐसे समझ में कि व्हेन अ स्टडी इज कंडक्टेड इन बेसिस मल्टी सेंट्रिक स्टडी इट हैज हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी, मतलब जब रिजल्ट हमारा एक ही आता है उस रिसर्च को बार बार करने पे तो उसका एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई कहलाता है। जनरलाइज मतलब समझते है ना, जैसे सब पे एप्लीकेबल होगा सब पे, यस बिल्कुल। इसमें आपने एग्जांपल भी दिया था, बिल्कुल सही। जनरलाइज का मतलब होता है कि जो भी रिजल्ट मेरा आया है वो सब पे एप्लीकेबल, वही रिजल्ट बार बार आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे रिसर्च का एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है। अब मान लीजिए मेरा रिजल्ट कुछ और आया, सौरभ जी मेरे रिजल्ट को आपने कि आपका रिजल्ट कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो रिसर्च का एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो हाई नहीं है, है ना। तो जब हम एक ही रिसर्च को बार बार करते हैं और वही रिजल्ट आता है उसी सैंपल पे करते हैं तो, और रिजल्ट भी वही वही आता है, इसका मतलब कि जो है मेरे रिसर्च का एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ नेट पे क्वेश्चन आया था पिछले साल में कराई भी थी आपको, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। जी मैम, थोड़ा सा मैम कंफ्यूज हो गया, इसमें आपने एग्जांपल दिया था कोविड का कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनियों ने जो है इसका सिरिंज बनाया लेकिन सबका नहीं, सबका इफेक्टिव नहीं हुआ, बस कोविड और कोवैक्स और कोविशील्ड का, इसलिए क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह पे एक ही रिजल्ट दिया। हमने यदि 10 ग्रेड मान लिया तो कहीं पे 9 आया 10 आया, मतलब अराउंड 10 के आया। तो यही आपने कोविड का एग्जाम्पल दिया था, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी वही हुआ आपका कि जो है हम एक ही रिसर्च को जब बार बार कंडक्ट कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमारी रिसर्च का जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर है आप लोगों का कि इंटरनल भी क्या है कि हमारा जो है कंपाउंडिंग फैक्टर हम उसको रोक के रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लेस कंपाउंडिंग फैक्टर हो, ठीक है। और एक्सटर्नल में क्या होता है, जनरलाइज, याद रखिएगा ये वर्ड जो है ना जनरलाइज अक्रॉस डिफरेंट स्टडी सेटिंग, ये जनरलाइज से ही आपका स्टडी ये याद रहेगा आपको कि जो भी आपका स्टडी है वो अगर जनरलाइज हो जाता है उसको हम बार बार भी करते हैं और वही रिजल्ट आता है कितने भी प्लेस में करें, चाहे जम्मू में करें, कश्मीर में करें, कन्याकुमारी में करें, गुजरात में करें, सिलीगुड़ी में करें, कहीं पे भी करें, तो हमारा रिजल्ट जो है सेम ही आना चाहिए, तभी उसका एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होता है, ठीक है। तो जनरलाइज होना चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्टडी सेटिंग में, तो उसका एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई कहते हैं, ठीक है। अब बताइए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है। मैम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये सबसे मोस्टली यूज होता है साइकोलॉजी में, जैसे इसमें अनसीन वेरिएबल्स को हम मेजर नहीं, डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वहाँ पे एंजाइटी डिप्रेशन हैप्पीनेस इनको तुम इसमें आपने PSQ-9 बताया था कि साइकोलॉजी में PSQ-9 क्वेश्चनियर है, उसके माध्यम से जो है हम इसको जो है मेजर करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट क्या होता है, अनसीन वेरिएबल, ठीक है, अनसीन वेरिएबल जिसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। मेनली जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल होते हैं एंजाइटी डिप्रेशन हैप्पीनेस ये सारे जो है कंस्ट्रक्ट कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एंजाइटी अगर आपको नापना है, जैसे PSQ-9 तो आपका डिप्रेशन नापता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी को एंजाइटी नापना है तो एंजाइटी नापने के 10 तरीके होते हैं, ठीक है। आपको देखना है, देखिए वैलिडिटी का डिफिनेशन यहाँ पे भी आपका तब बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है जो आपने शुरू में पढ़ा था कि एंजाइटी को नापने का हमारे पास 10 तरीका है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी है सौरभ जी, तो हो सकता है स्टम्बलिंग हो रहा हो आपको, जैसे आप रेगुलर बोलते हैं वैसे बोल नहीं पा रहे होंगे, है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा होगा आपको, तो ये एंजाइटी की वजह से होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा कोई ऐसा रिसर्च है जिसमें मुझे ये देखना है कि जब बच्चे स्लाइड प्रेजेंट करते हैं या नहीं तो जो है आपको जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है
ठीक है, तो मैं बहुत बार देखी हूँ, हम लोगों को कॉलेज में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता था कि हम लोग एज ए जज बन के जाते थे, जितने भी बच्चे वहां आते थे ना एक एक महीने के कोर्स के लिए, उनका एग्जाम के लिए हम लोग को भाई 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 वा लेने के लिए जाना होता था। तो कोई बोल रहा होता था तो किसी का पैर हिलता था, कोई किसी से मैं पूछती थी तो किसी का हाथ हिल रहा होता था, या किसी कोई बहुत अच्छा बोलता था लेकिन उस समय उसको मतलब वो बोल नहीं पाता था। तो ऐसा होता है एंजाइटी की वजह से आपको, जैसे कि आपको भी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपको भी झिझक होती है, मतलब एंजाइटी इतना ज्यादा होता है कि आपको पढ़ा हुआ चीज आप बोलना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो हमें यही देखना है, अगर मुझे ये पता करना है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं आप लोग जो है, अगर मैं आपको स्लाइड प्रेजेंट करने बोलती हूँ तो आपका एंजाइटी लेवल कैसा है, तो मुझे आपको कैसे नापना होगा कि आपका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है। ठीक है, आपके प्रेजेंटेशन का तरीका अगर मैं फिजिकली देख रही हूँ आपको, तो ऐसा क्या मैं नोटिस कर रही हूँ कि जिससे मुझे पता चल रहा है कि इस बच्चे को एंजाइटी ज्यादा है। ठीक है, तो मैं मेरे जो मुझे एंजाइटी नापना होगा, तो क्या मुझे मशीन के थ्रू नापना होगा, मुझे कोई गैल्वेनोमीटर यूज करना होगा, या मुझे कोई मतलब बाय फेस को देख के मैं पहचान जाऊंगी, यानी तो आप कितनी बार हिचकिचा रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन में उससे मैं पहचान जाऊंगी, है ना, या मैं आपको क्वेश्चनेयर दूंगी। तो मेरे पास एंजाइटी नापने के 10 तरीके हैं, मुझे देखना है कि मुझे मतलब एग्जैक्टली नापना क्या है, नापने कहने का मतलब है ये किस तरह का एंजाइटी है और मुझे क्या क्या करना है इसको नापने के लिए। मुझे क्वेश्चनेयर का यूज करना है, मुझे कोई बायोमार्कर का यूज करना है, कि मुझे कोई मशीन की यूज करना है, या मुझे कोई आपको जो है बाय फेस टू फेस देख के मुझे 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 पता पता लगेगा कि आप घबरा रहे हैं, आपको एंजाइटी है। ठीक है, तो ये मुझे पता होना चाहिए एज अ रिसर्चर कि जो मैं चीज नापना है एंजाइटी, मुझे कैसे नापना है। ठीक है, तो उसी को हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं कि जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है उनको नापने के लिए हमें जो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का इस्तेमाल करना होता है। इसको हम डायरेक्ट नहीं नाप सकते, ये अनसीन वेरिएबल होता है। तो इसको नापने का जो एग्जैक्ट जो हमें अपने रिसर्च में चाहिए वो एग्जैक्ट क्या एंजाइटी को किस तरह से हम जो है चेक करें। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं अभी आपको फिजिकली देख नहीं पा रही हूँ, ऑनलाइन देख रही हूँ, हो सकता है आपका स्वेटिंग बहुत ज्यादा आ रहा हो आपको, वो भी एंजाइटी की वजह से होता है। बहुत लोगों को स्वेटिंग बहुत ज्यादा आता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, उसके बाद बहुत बहुत लोगों को क्या होता है कि घबराहट से वो स्टमरिंग करते हैं, बहुत लोगों को क्या होता है कि वो लड़खड़ाने लगते हैं अपने बोली में, होता है ना, वो एंजाइटी की वजह से होता है। तो ये मुझे पता होना चाहिए एज अ रिसर्चर कि मुझे कैसे नापना है एंजाइटी को। ठीक है, फिजिकली देख के नापना है आपको कि मैं क्वेश्चनेयर भरवा लूं आपसे पहले। ठीक है, इस तरह से। तो ऑपरेशनल डिफिनेशन का मतलब ही होता है कि हम उसको कैसे नाप रहे हैं, हमें उसको डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एंजाइटी नापने के बहुत सारे तरीके हैं, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स भी एक तरीका होता है, एक मशीन होता है जो आपके फिंगरप्रिंट्स को लेके पता करता है कि आप कितने एंजाइटी है आपको। तो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स हम मतलब हमें गैल्वेनिक मीटर का यूज करना होगा। ठीक है, कि ये देखना होगा कि हर 5 मिनट में आदमी कितना लड़खड़ा रहा है अपने बोली में। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है। तो जो चीज एंजाइटी नापने के लिए हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमारा मतलब कंसर्न होता है, उसको जो है हम उसका हम डिफिनेशन हमें देना होता है। ठीक है, कि हम उसको नाप किस तरह से रहे, क्योंकि जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है इसको नापने के बहुत सारे, इनको देखने के नापने के बहुत सारे तरीके हैं। क्वेश्चनेयर अधिकतर साइकोलॉजिकल वेरिएबल में 60-70% हम क्वेश्चनेयर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 20-30% हम ये गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स हो गया, उसके बाद अटेंशन के लिए जैसे मैं बताई थी D2 टेस्ट हो गया, फिर आपका टावर ऑफ लंदन हो गया। तो इस तरह की भी चीजें हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजिकल वेरिएबल को नापने के लिए। तो हमें लिखना होता है कि हम कैसे नाप रहे हैं। ठीक है, जैसे एंजाइटी है हमारा, तो एंजाइटी को हम गैल्वेनिक मीटर से नाप रहे हैं, या फिर ये देख रहे हैं कि जो बच्चा बोल रहा है, जैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप कितना हिचकिचा रहे हैं आप बोलने में। ठीक है, तो ये हमें लिखना पड़ता है कि हम एंजाइटी किस तरह नाप रहे हैं। ठीक है, इसी को हम ऑपरेशनल डिफिनेशन बोलते हैं। आए समझ में? जी मैम। आ गया समझ में?
ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? हाँ जी मैम, ठीक है, मतलब जो नंबर से मेजर नहीं कर सकते वो बिल्कुल मतलब लास्टली क्या होता है कि हम नंबर से ही मेजर करते हैं। जैसे मैं आपको PHQ-9 का दिखाई थी ना, एग्री स्ट्रॉन्गली एग्री इस तरह करके 1, 2, 3, 4 उसमें लास्टली हमें उसको क्वालिटेटिव डेटा को भी क्वांटिटेटिव ही बनाना होता है, लेकिन उसका उसका एक तरीका होता है। ठीक है, तो ऐसे जो जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है उनको ऑपरेशनल डिफिनेशन लिखना चाहिए कि आप उसको कैसे नाप रहे हैं। ठीक है, अब बताइए स्टैटिस्टिकली वैलिडिटी क्या होता है? मैम स्टैटिकल वैलिडिटी होता है कि इसमें मैम होता ये है कि मैम जो हमारा डिजाइन ये परफॉर्म होता है हमारे अकॉर्डिंग टू जो डिजाइन है कंक्लूजन है और जो वैलिड रिजल्ट आए उसके आधार पे हम जो है स्टैटिकली प्रूफ करते हैं इसमें। बताइए, देखिए बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताई थी कि पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। आपको मैं पढ़ाई थी ना कि कितने सारे आपके डेटा होते हैं, जैसे कि जो है सबसे पहले आपका नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, कंटिन्यूअस डेटा होता है, उसके बाद फिर जो है आपका इंटरवल डेटा होता है, उसके बाद आपका रेशियो डेटा होता है। तो पहले हम लोग को ये देखना होता है कि हमारे पास जो डेटा है वो कौन सा डेटा है, नॉमिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है, इंटरवल डेटा है, या नहीं तो मेरा रेशियो डेटा है। ये चारों में से हमें ये पता करना होता है। तो हर डेटा का जो है स्टैटिस्टिकली उसको जो है जैसे मैं आपको बताई थी ना कि बेल कर्व होता है, तो मान लीजिए कि नॉमिनल डेटा का जो बेल कर्व मतलब जो है हमारा बिल्कुल बेल कर्व माइनस और प्लस का वैल्यू बिल्कुल बराबर, मतलब एक अच्छा बेल कर्व आ गया हमारे पास। ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर है माइनस और प्लस, तो उसमें टेस्ट कुछ और होगा, उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट में जाएगा। या मान लीजिए कि प्लस के साइड डेटा हमारा स्क्यूड हो गया, तो फिर वो पैरामेट्रिक में नहीं जाएगा, नॉन पैरामेट्रिक में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, जब हम डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें देखना होता है। तो स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी हमेशा आपका स्टैटिस्टिक्स से जो है जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे जो है होता है कि जो भी आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टेस्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा टेस्ट अपने जो है रिसर्च में लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप गलत टेस्ट लगा देते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, गलत हो जाएगा, उसका एक्सटर्नल वैलिडिटी भी खराब हो जाएगा, इंटरनल वैलिडिटी भी खराब हो जाएगा, है ना। तो जब हम स्टैटिस्टिकली जो भी हमें पता होना चाहिए कि हमको अपने रिसर्च में उसको कैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है। ठीक है, तो सही टेस्ट लगाना चाहिए, मतलब सही टेस्ट लगाने का अभी आप लोग पढ़ेंगे कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। ठीक है, विल्कॉनसन टेस्ट क्या होता है, मैन वेट नी टेस्ट, बहुत 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 सारे टेस्ट है। ठीक है, तो वो जो है हमें सही से जो है जो हमारा डेटा का रिक्वायरमेंट है वही हमें यूज करना चाहिए, कोई और टेस्ट हमें नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अगर हम गलत टेस्ट लगा देंगे अपने रिसर्च में तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, गलत आ जाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, यही हमारा स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी होता है। ठीक है, वैलिडिटी क्लियर हुआ सबको, कि अभी भी कोई डाउट है इसमें, कोई भी बच्चे यहाँ पे हो जिनको लग रहा हो कि जो है वैलिडिटी अभी भी समझ में नहीं आया या अभी भी डाउट है उनको? देखिए जब आप स्टैट्स पढ़ेंगे ना तो ये चीज और भी क्लियर हो जाएगा आपका। अभी जैसे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसे स्टार्ट करेंगे ना, हमें थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा पीएचडी के लिए हम नहीं पढ़ रहे, हम नेट के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय और भी क्लियर होगा ये सारा चीजें आपको। अभी क्लियर है, अभी जितना भी पढ़ाई हुआ है वो सबको समझ में आ गया है? जी मैम। ठीक है, सौरभ जी आप लोग को, निष्ठा जी, सौरभ जी और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सबको किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो फिर जो है हम क्या करते हैं, वैलिडिटी हमारे यहाँ खत्म होता है। निष्ठा जी आपका था ना आज? मैम वैलिडिटी मेरा था, वैलिडिटी हमारा था, रिलायबिलिटी एक्चुअली वैलिडिटी। अच्छा अच्छा,
तो चलिए, तो अब गर्ल्स को परसेंट करना है, रिलायबिलिटी आप लोग कर दीजिए, ठीक है? मैम कोशिश रहेगी, क्योंकि हमने ज्यादा अच्छे से वैलिडिटी पढ़कर आया था, इसे भी बताने की कोशिश। अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं आपको करेक्ट करूंगी अगर कुछ गलत होगा तो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के आप पढ़ाइए, ठीक है? ओके मैम। तो चलिए रिलायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है मैम? रिलायबिलिटी जो है ये बेसिकली मेजर करता है कि आपने जो भी टेस्ट किया है वो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी, मतलब आपने जितनी बार उसको रिजल्ट ले रहे हैं उस रिजल्ट की कंसिस्टेंसी कैसी, मतलब यदि आप यहाँ ले रहे हैं बेसिकली जम्मू या कश्मीर ले रहे हैं या फिर कहीं और भी ले रहे हैं, तो उस रिजल्ट का एक्यूरेट वही रिजल्ट आ रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तो उसे रिलायबिलिटी कहते हैं। वेरी गुड। और ये एक्सटर्नल वैलिडिटी के भी है आपका, रिलायबिलिटी जो है वैलिड रिसर्च जो है रिलायबल हो सकता है, लेकिन एक रिलायबल रिसर्च जो है वैलिड नहीं हो सकता है। ये आपके टर्म पहले बहुत आता था रिसर्च में, यूजीसी नेट में ये वाला क्वेश्चन अब नहीं आता है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी रिसर्च की वैलिडिटी है, ठीक है, तो वो रिलायबल हो सकता है, लेकिन अगर किसी रिसर्च में रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि वो वैलिड हो, ठीक है, वाइस वर्सा नहीं है इसमें, ठीक है? तो रिलायबिलिटी जो है आपका जो है यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से भी निकालते हैं, कि कभी कभी जो है जो स्टैट्स लगा के भी निकालते हैं, बहुत तरह की रिलायबिलिटी, अभी मैं आपको बताते जाऊंगी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, जैसे कि आप यूजीसी नेट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही है, तो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी आपके आपके इसमें प्रिपरेशन में, कि अगर आप 2 घंटे आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ये नहीं कि 2 घंटे 2 दिन पढ़ लिए फिर 7 दिन आराम कर रहे हैं कि नहीं भाई 2 दिन तो पढ़ लिए थे, हमें जो है डेली 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि जो रूटीन हमारा है 2 घंटे पढ़ना है यूजीसी नेट के लिए तो पढ़ना है, तभी हमारे पढ़ाई में कंसिस्टेंसी आएगी, ठीक है? ये पाणिनि का आप लोगों ने सुना होगा शायद कहानी, आपके सिलेबस में इस बार क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, जो शिव जी के डमरू से पूरा स्वर और व्यंजन निकाल दिए थे, सुना है कि नहीं कहानी हो आपका? नो मैम। कौन सा? ये पाणिनि जो जो स्वर और व्यंजन निकालने का जो है वो किए थे इन्वेंशन, वो बहुत वीक थे अपने क्लास में, उनको हाँ उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, जहां से वो गुरुकुल में पढ़ते थे वो इतने वीक थे कि उनको निकाल दिया गया था। तो फिर एक दिन वो जो है कुएं के पास गए और वहां पे हमेशा एक घड़ा रखा रहता था, तो कुआं का जो वो बनता है ना किनारे किनारे ईटा का, तो वो देखे कि पत्थर, मतलब घड़ा जहाँ पे रखते हैं वो पत्थर वहां पे दब गया है एक घड़े से, घड़े के पानी रखने से, तो वो कंसिस्टेंसी था ना कि जहाँ हम घड़ा डेली रख रहे हैं वहां का पत्थर भी दब गया है। तो जब हम कंसिस्टेंसी मेहनत करेंगे कोई भी चीज को, हम जब कंसिस्टेंसी करेंगे, मतलब जब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चाहे वो पत्थर ही क्यों नहीं हो, आप देखते हो कि जहाँ पे घड़ा रखते हैं हम लोग पत्थर के ऊपर भी, तो वहां का उतने दूर का पत्थर जो है ना वो दबा हुआ होता है, अगर डेली आप उस जगह ही रखेंगे तो, है ना? तो वही उन्होंने देखा कि एक जब घड़े का पानी हम पत्थर के ऊपर रख रहे हैं और पत्थर उस पर दब रहा है डेली रखने से, तो जब हमारे जब हम मतलब जो भी चीज को हम डेली करेंगे, अगर मुझे मतलब स्कूल से इसलिए निकाला गया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अगर मैं डेली तपस्या करूंगा मेडिटेशन करूंगा तो मुझे जो है अपना मुझे सब कुछ समझ में आया, तो वो जो है इसी चीज को देख के कि एक घरे में पानी रख के पत्थर के ऊपर, जब पत्थर दब सकता है तो जब मैं मेडिटेशन करूंगा तो मुझे जो है अगर मैं कंसिस्टेंसी में इसको करूंगा डेली करूंगा, ठीक है, तो मुझे भी बुद्धि आ जाएगी। तो उन्होंने मेडिटेशन किया, फिर जब शंकर जी उनके पास आए तो उन्होंने डमरू बजाए, तो उस डमरू से उन्होंने जो है स्वर और व्यंजन को जो है उनका ये इन्वेंशन किया था, जो आप स्वर और व्यंजन पढ़ते ना हिंदी में ए आ ये वाला जो होता है ई व्यंजन आपका क ख ग ग हो गया, तो उसका जो है वो डमरू से ही उन्होंने वो निकाल दिया था, डमरू की आवाज से, मतलब उनका जो है उनके मतलब उन्होंने मेडिटेशन इस लेवल पे किया कि उनका माइंड बिल्कुल जो है शार्प हो गया, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी का मतलब हम डेली करते हैं, जैसे यूजीसी नेट का आपको पढ़ना है 2 घंटा तो पढ़ना है,
उसके अलावा कोई ये नहीं है कि दो दो दिन पढ़ लिया फिर 7 दिन आराम कर रहे, नहीं, तो फिर आपके पढ़ाई लिखाई में कंसिस्टेंसी नहीं आई, आपको डेली करना है वो काम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि रिलायबिलिटी होता क्या है, मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, मेजरमेंट में कंसिस्टेंसी। अब इसमें देखिए टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या क्या है, कितने कितने प्रकार रिलायबिलिटी है। मैम 4 तरह की रिलायबिलिटी, स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड इंटर रिलायबिलिटी। तो टेस्ट और रिटेस्ट रिलायबिलिटी वो होती है जिसमें मेजरमेंट को हम किसी भी चीज में ट्वाइस मतलब एक बार उसका टेस्ट लेते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं। यदि हम कोई टेस्ट ले रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन आयर वगैरह सेट करना है और उसकी हम टेस्ट बार बार लेकर देखें और एग्जैक्ट वही आ रही है तो वो हमारी जो रिलायबिलिटी होगी वो प्रूव होगी। मतलब हम किसी भी ग्रुप या डिस्कशन में उसी टेस्ट को बार बार लेते हैं तो ये टेस्ट रिटेस्ट मेथड कहलाते सॉरी रिलायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी में जो हमारा डेटा होता है उसको हम बार 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 एक ही डेटा को हम लोग जो है बार बार जो है उसी उसी डेटा को बार बार एनालाइज करते हैं और उसको बार बार एनालाइज करने के बाद भी वही रिजल्ट रिजल्ट आ रहा है बार बार तो उसको हम लोग टेस्ट रिसर्च रिलायबिलिटी कहते हैं। स्प्लिट हाफ क्या होता है? मैम स्प्लिट हाफ जो इसमें होता है आइटम्स जो होते हैं जैसे क्वेश्चन आयर वगैरह, स्प्लिट हाफ मतलब कि हम इसे हाफ हाफ बांट कर टेस्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी हमारा डेटा या आइटम्स है उसमें जो क्वेश्चन वगैरह है उसको क्या करते हैं इक्वल करके मतलब टू ग्रुप्स में हाफ स्लेव में बांट देते हैं और उसके बाद उसमें करेक्शन या फिर जो भी देखना रहता है टू हाफ उसके रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। बिल्कुल सही, जैसे का ही ले लेते हैं यहाँ पे PHQ 9 का ही, जैसे कि हमारे पास 9 क्वेश्चन एयर्स है उसमें, ठीक है, 9 क्वेश्चन एयर्स को हम क्या करते हैं 4 और 4 में बांट देते हैं, यानी तो 4 और 5 में बांट देते हैं। फिर उसके बाद उसको बार बार जो है हम स्प्लिट करके देखते हैं कि अगर हम आधा आधा भी बांट रहे हैं तो हमारा जो है डेटा कैसा आ रहा है। ठीक है, जैसे कि PHQ 9 का क्वेश्चन है मैं आपको दिखाई थी ना, तो उसमें क्या होता है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में कि हम क्वेश्चन एयर को बांट देते हैं, ठीक है, और फिर बांट के हम बार बार देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, मतलब मेन मतलब जो रिलायबिलिटी चेक चेक करने के लिए हम उसको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन ईयर के ही जो क्वेश्चंस हैं उसको हम स्प्लिट करके देखते हैं कि उसका स्प्लिट करने से उसकी रिजल्ट कैसी आ रही है। ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है? क्रोनबेक अल्फा, क्रोनबेक अल्फा में इसमें यह होता है कि जो प्रोफाइल बताइए बताइए। मैम इसमें जो परफॉर्मेंस स्लिप चार्ट होता है उसमें डिफरेंट वेज में उसको देखते हैं। जैसे हमें जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है और इसमें एक तरह से कह सकते हैं मैम ये एक तरह से स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी का ही टाइप्स कह सकते हैं इसमें। और हम वैल्यू देखते हैं अल्फा वैल्यू जिसमें आपने बताया था जैसे 0.9 है इस मतलब वो जो वैल्यू है वो एक्सीलेंट है हम और 0.8 है तो वो वेरी गुड। और इसके बाद जो आएगा इसकी धीरे धीरे जो रिलायबिलिटी है वो कम होती जाएगी इससे पहली बात। तो ये एक तरह से ये है परफॉर्मिंग स्प्लिट जो स्लैब्स रहते हैं उसमें डिफरेंट वेज कैलकुलेशन करते हैं मैम उसका और जो भी हमारी वैल्यू आती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द नंबरिंग मतलब अल्फा वैल्यू से। तो ये जो है नंबर पहले दिया होगा और उसके बेसिस पे जो है वो एक्सीलेंट है गुड है वेरी गुड है उसके हिसाब से हम लोग नंबर के हिसाब से इसको चेक करते हैं। इंटरलेटर देखिए ये बहुत ज्यादा हो गया, रिलायबिलिटी बस आपको पता है यूजीसी नेट के लिए इतना ही काफी है। अगर ये नहीं भी आ रहा है तो ये बहुत मोस्टली टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी पूछते नहीं है लेकिन सिलेबस में है तो हम लोग को पढ़ना है। ऐसे मोस्टली इस तरह से क्वेश्चन आता नहीं कि टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी स्पेस स्प्लिट हाफ। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इस पे क्वेश्चंस नहीं आए, आपके रिलायबिलिटी या वैलिडिटी पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, लेकिन हम लोग के सिलेबस में है तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटररेटर रिलायबिलिटी क्या होता है? मैम इंटर रेटर रिलायबिलिटी जो होता है ये बेसिकली क्या होता है इसमें मेजर करते हैं डिफरेंट रेटर्स के फॉर्म में। जैसे कि
कई एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेते हैं, और जिसमें कोई आपने टेस्ट किया और साइकोलॉजी आपने कोई टेस्ट किया है, और PSQ-9 ही हमने बनाया है उसको किसी एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं इसके, वो कई पासेस कर चुके हैं, उनके पास ले जाकर उसको दिखाते हैं कि हाँ ये हमारा जो टेस्ट है उसमें कुछ खामी है या फिर क्या, इस तरह से उसकी जो रिलायबिलिटी प्रूफ होती है, तो ये इंटरनेट जो एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं वो हमारे जो रिलायबिलिटी उसको रेट करते हैं, इसलिए इसका नाम है इंटररेटर रिलायबिलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटररेटर रिलायबिलिटी PSQ का 9 का आपने एग्जांपल दिया, PSQ 9 का स्केल का जब इन्वेंशन हुआ होगा, जब वो बना होगा, किसी ने जब बनाया होगा, तो उन्होंने क्या 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 किया होगा, उन्होंने पहले 9 क्वेश्चन नहीं लिए होंगे, ऐसा नहीं कि PSQ 9 नाम रखा हुआ तो उसमें 9 क्वेश्चन ही है, ठीक है, उनका कम से कम 30 क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन होगा, 9 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन होगा उनका PSQ-9 में। फिर जब उन्होंने एक्सपर्ट एडवाइस दिया होगा तो उन्होंने क्या किया होगा कि एक्सपर्ट एडवाइस में किसी ने बोला होगा कि हाँ कि चलो ये जो है, ये जो 9 क्वेश्चन है ये होने चाहिए, ये जो है डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारे क्वेश्चन, तो उन्होंने क्या किया होगा, एक्सपर्ट एडवाइस लिया होगा, तो एक्सपर्ट एडवाइस में भी हमें कम से कम 10 एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए मिनिमम में, ऐसे तो हमारे पास 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, जैसे जब मैं मॉड्यूल क्रिएट की थी तो मैंने 26 लिए थे, तो जब जैसे मैं 26 ली तो उसका जो है सीवीआर रेशियो हम निकालते हैं कि हमारा सीवीआर रेशियो कितना है, एक पेपर है आपका इसमें सीवीआर रेशियो निकालने का तरीका दिया हुआ है, तो उसमें होता है कि जैसे कि मेरा सीवीआर रेशियो जो मेरे मेरे मॉड्यूल का सीवीआर रेशियो था कि जब मैं 26 से कराई थी तो मेरा सीवीआर रेशियो मान लीजिए 0.29 था, तो मेरा 29 अगर मान लीजिए कि सीवीआर रेशियो मेरा 29 आया, तो फिर हम लॉसी फार्मूला से निकालते हैं, एक तरीका होता है लॉसी फार्मूला बोलते हैं उसको, कि आपका लॉसी फार्मूला 29 आना चाहिए या 29 से ज्यादा आना चाहिए उसको लगाने के बाद, तो फिर उसको हम रखते हैं अपने इसमें, जैसे कि PSQ-9 में 9 क्वेश्चन है ना, तो वो 9 क्वेश्चन में हमने लॉसी फार्मूला लगा करके वो 9 क्वेश्चन निकाला होगा, ठीक है, तो जितने भी आपके क्वेश्चनेयर बनते हैं रिसर्च में, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, किसी भी चीज का, कोई भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल का हो या किसी भी चीज का क्वेश्चनेयर बनाते हैं हम, योगा मॉड्यूल बनाते हैं डायबिटीज के लिए, तो उसमें हम इंटरनेटर रिलायबिलिटी का ही यूज करते हैं, उसमें हमें इंटरनेटर रिलायबिलिटी का ही यूज करना होता है कि हमें सारे सबसे पहले जो है जो एक्सपर्ट है उस लाइन में, जैसे कि डायबिटीज का मान लीजिए आप लोग को मॉड्यूल, एक योगा मॉड्यूल आप बनाना चाहते हैं कि जिसमें प्राणायाम भी हो, जिसमें आसन भी हो, ठीक है, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम वगैरह ये सब, मतलब एक मॉड्यूल आपको तैयार करना है 45 मिनट्स का, तो जो भी डायबिटीज में जो पहले जिन्होंने रिसर्च किया हुआ है या जो डायबिटीज के डॉक्टर है या जो जिन्होंने योगा में उसी सब्जेक्ट पे उसी टॉपिक पे PhD की हुई हो, तो ऐसे आपको एक्सपर्ट का टीम बनाना होता है, फिर उस टीम के पास आपको अपना क्वेश्चनेयर भेजना होता है, फिर वो टीम आपको उसमें बताती है, जैसे लिकट स्केल था ना, स्ट्रांगली एग्री एग्री, तो वो जो है आपको देती है कि इस पॉइंट पे ये ज्यादा बेहतर है, ये क्वेश्चन ज्यादा है, उसके बाद फिर जो है हम उसमें एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो हमारे जो एक्सपर्ट है उसके हिसाब से फिर जो है हम उस क्वेश्चनेयर को या उस मॉड्यूल को देखते हैं कि अगर 26 लोगों ने उसको वैलिडेट किया है, 26 लोगों में जो है मेरा सीवीआर रेशियो अगर 26 का है तो कितना आ रहा है, 20 लोगों ने किया है तो 20 पे कितना आ रहा है, वो फिक्स है, वो जो रेशियो है वो फिक्स है, वो पेपर से ही देख के हमें निकालना होता है, उसके बाद फिर जो है लॉसी फॉर्मूला लगा के हम उसमें काम करते हैं। तो जब भी आपको कुछ डेवलप करना हो रिसर्च के लिए, आपको कोई स्केल डेवलप करना हो, आपको कोई मॉड्यूल डेवलप करना हो, तो आपको इंटररेटर रिलायबिलिटी का यूज करना होता है, ठीक है, फिर हम इंटररेटर रिलायबिलिटी को भी यूज करते हैं। आया समझ में? इतना डिटेल में अगर नहीं भी समझ में है तो कोई बात नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी चीज की जब रिलायबिलिटी निकालनी होती है हमें योगा मॉड्यूल बनाना होता है, हमें PSQ-9 जितने भी आप क्वेश्चन यार इस्तेमाल करते हैं ये सब इंटर, जब इसका जब PSQ-9 का भी पेपर आप पढ़ेंगे ना, ठीक है, रिसर्च पेपर उसका भी होगा, तो आप देखिएगा उसमें इंटररेटर रिलायबिलिटी का जो है उन्होंने लिखा होगा, ठीक है, उस पेपर में, या किसी ने योगा मॉड्यूल डेवलप किया होगा तो उसमें भी इंटरनेट रिलायबिलिटी लिखा होगा उन्होंने, ठीक है। चलिए टेस्ट रिलायबिलिटी क्या है बताइए फटाफट, पढ़ के भी बता सकते हैं कि एक बार पढ़ लीजिए उसके बाद उसमें जाना चाहिए। हाँ बताइए, बार बार रिपीट करके सेम रिजल्ट आते हैं या उसको
चेक या एनालाइज करना। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, पढ़िए आप, स्लाइड स्लाइड दिख रहा है ना सबको। मेजरमेंट इज डन ट्वाइस एंड कोरिलेशन बिटवीन दोस टू मेजरमेंट्स टेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। मेजरमेंट इज डन ट्वाइस एंड कोरिलेशन बिटवीन दोस टू मेजरमेंट, तो इसमें क्या होता है कि मेजरमेंट क्या होता है, ट्वाइस होता है, और जो 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 मेजरमेंट है आपको उसको बार बार टेस्ट रिटेस्ट, मतलब ये नाम से ही इन्होंने ऐसा रखा हुआ टेस्ट रिटेस्ट, तो उसको जो है हम लोग टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द टेस्ट रिटेस्ट पीरियड इट इज अज्यूम दैट नो चेंज हैज हैपेंड टू द सब्जेक्ट, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, पहले टेस्ट लिया वही था, रिटेस्ट करने के बाद भी वही था। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तीसरा पॉइंट क्या है, ड्यूरेशन बिटवीन टेस्ट एंड रीटेस्ट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट, स्ट्रेट और ट्रेट कंस्ट्रक्ट। क्या है ये, मतलब एक पहला जो टेस्ट होता है उसके बाद रीटेस्ट कब लेना है ये हम लोग व्हाट यू से वो स्टेट पे डिपेंड होता है। देखिए ये कंस्ट्रक्ट, जैसे कि मैं कंस्ट्रक्ट बताई थी ना, साइकोलॉजिकल अनसीन वेरिएबल होते हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल हैं वो कंस्ट्रक्ट कहलाते हैं। तो इसमें लिखा है ड्यूरेशन बिटवीन टेस्ट एंड रीटेस्ट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट। तो आपका जो कंस्ट्रक्ट है, मान लीजिए एंजाइटी का है, ठीक है, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मतलब ये एंजाइटी जो आपका आ रहा है, मान लीजिए कि अगर इसमें चेंजेस आ रहा हो टेस्ट रिटेस्ट में, ठीक है, तो उसको हम कैसे कैसे डिसाइड, जैसे मान लीजिए मैं पीएचक्यू 9 का एग्जांपल लेती हूँ, अगर मान लीजिए कि उसमें जो है पीएचक्यू 9 में टोटल कितने ये थे, टोटल कितने पॉइंट्स थे, 9 क्वेश्चन थे, नाइन क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन में क्या था 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक गया था, फिर उसी को हम काउंट करते थे ना कि मतलब जो 5 पे है वो पहले पहले क्वेश्चन पे, जो 5 पे है या 4 पे है या दूसरे क्वेश्चन पे 3 पे है, ऐसे ही डिसाइड करते थे ना जी मैम। तो हम जो लीकर्ट स्केल था उसमें एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, 0, 1, 2, 3 इस तरह से उसमें पॉइंट बना हुआ था ना, हर क्वेश्चन में 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 3 इस तरह करके था ना, उसी को तो हम ऐड करके फिर पता करते थे कि जो है PHQ-9 में किसको किस लेवल पे एंजाइटी है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका, मान लीजिए जो है, सॉरी डिप्रेशन होगा, एंजाइटी नहीं होगा, सॉरी किस लेवल पे डिप्रेशन है उस बंदे को PHQ-9 में, ठीक है, तो ये जो है हमारा जो है ये ड्यूरेशन बिटवीन टेस्ट एंड रिटेस्ट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, जो हम बार बार एक ही टेस्ट को कर रहे हैं, उसमें जो है आपका PHQ-9 का ही मान लीजिए हम बार बार उसको कर रहे हैं, और उसका जो है मतलब अगर मान लीजिए कि उसका 25 आया है, हर क्वेश्चन में पॉइंट था ना उसमें 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 इस तरह करके, तो उसी को तो हम काउंट करते हैं ना, मान लीजिए 1 से 9 तक में आपको जो है 25 आ गया, और वो सीवियर डिप्रेशन कहलाता है, अगर आपका 25 आ गया तो वो सीवियर डिप्रेशन है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो इसमें भी क्या है कि जब भी हम जितनी बार भी जो है उसमें यूज करेंगे टेस्ट रिटेस्ट जो है वो आपकी उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उस कंस्ट्रक्ट में जो है स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। हम एक बार करें, दो बार करें, उसके जो है अगर मान लीजिए 25 आ रहा है, फिर से हम कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, फिर से हम कर रहे हैं, फिर से 25 आ रहा है, तो ये जो है उस कंस्ट्रक्ट की स्टेबिलिटी, मतलब उसका जो पॉइंट, जो भी उसका रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी सक्सेसफुल होता है। तो ये सबसे छोटा मेजर, जब भी हम रिलायबिलिटी निकालते हैं तो ये सबसे छोटा तरीका है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी किसी भी रिसर्च का निकालने का, ठीक है। स्प्लिट हाफ क्या होता है, दो में डिवाइड करना, टू हाफ में डिवाइड, पढ़ूं क्या मैम, हाफ में, हाँ पढ़िए पढ़िए, पहला पहला पढ़िए क्या है, Atoms in a questionnaire are split into two halves and correlation between those two halves is called as split half reliability.
जैसे PHQ-9 का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर उसमें 9 क्वेश्चन एयर है, उसको 4 और 5 में हम डिवाइड डिवाइड कर देते हैं, और उसको हम फिर जो है उस 4 और 5 को फिर हम बार बार उसको ये ले रहे हैं, ठीक है, उसकी बार बार हम रिजल्ट निकाल रहे हैं और उतना ही आ रहा है, तो उसका स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, मतलब क्वेश्चन उसको आधा आधा बांट करके। रेशनल क्या है इसका? Since the whole questionnaire is assessing one construct, atoms in that two should correlate among themselves. ठीक है, रेशनल का क्या मतलब होता है? रेशनल का मतलब होता है जैसे मेरे रिजल्ट का रेशनल क्या है, रेशनल ऑफ द स्टडी पूछते हैं कभी कभी, ठीक है। रेशनल यूजीसी नेट में तो मैं नहीं देखी हूँ कभी, लेकिन हम लोग के रिसर्च में ये क्वेश्चन बार बार पूछा पूछा जाता है जब आप रिसर्च करते हैं कि आपके मीन्स रेशनल ऑफ द स्टडी क्या है आपका। जैसे कि मैं सेफ स्क्रीन टाइम पे यूज कर रही थी, तो रेशनल मेरे स्टडी का क्या था कि जो भी इससे सिम्टम्स होते हैं स्क्रीन टाइम से, जैसे फिजिकल सिम्टम्स होता है आपका, आंख जल्दी खराब हो जाता है, आप ओबीज जल्दी हो जाते हैं जो बहुत देर तक स्क्रीन टाइम यूज करते हैं, तो उनको डिप्रेशन एंजाइटी भी होता है, बहुत सारा रिपोर्ट ऐसा भी आया है कि जो दो दो घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करते हैं उनके उनके लिए उनका डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल हाई होता है। तो इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट है, मतलब इस तरह से बहुत सारे रिसर्च हुए हुए हैं। तो मेरा रेशनल ऑफ द स्टडी क्या था कि जो मैं स्क्रीन टाइम पे उसको सेफ बनाने के लिए जो जो भी इसका जो है कोमोरबिडिटी, मतलब जो है जो जो इसके सिम्टम्स आते हैं, जो फिजिकल सिम्टम्स है, जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, उसके ऊपर वो मॉड्यूल काम करेगा, ठीक है। तो ये मेरा रेशनल ऑफ द स्टडी था। तो रेशनल का मतलब होता है कि उसमें समा मतलब क्या क्या फाइंड आउट क्या कर रहे हैं आप, क्या मतलब है, मीनिंग मीनिंग क्या है आपके ये रिसर्च का, क्या बताना चाहते हैं आप अपने रिसर्च के थ्रू। तो रेशनल का यहाँ पे क्या मतलब है कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जैसे मान लीजिए कि PHQ-9 का ही ले लीजिए कि उसमें 9 क्वेश्चन एयर है, तो 9 के 9 क्वेश्चन एयर आपके डिप्रेशन स्केल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, हर क्वेश्चन जो है आपके डिप्रेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप डिप्रेसिव है या नहीं है। तो अगर हम उसको आधा आधा भी बांट दे, क्योंकि 100% क्वेश्चनेयर आपको डिप्रेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम आधा आधा क्वेश्चनेयर 9 क्वेश्चन को 4 और 5 में डिवाइड कर दे कि ऊपर का 4 ले ले, नीचे का 5 5 ले ले, और उसको फिर से बार बार उसको हम जो है चेक कर रहे हैं उसके रिजल्ट को, ठीक है, बार बार हम उसके रिजल्ट को चेक कर रहे हैं और वही सेम रिजल्ट आ रहा है, तो उसको जो है हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहते हैं। स्प्लिट हाफ में हम उसको आधा आधा बांट देते हैं, ठीक है। जैसे डिप्रेशन का जो मैं आपको एग्जांपल दी PHQ-9 का, कि जब हम आधा आधा बांट देते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन एयर आपके डिप्रेशन से रिलेटेड ही है, उसमें ऐसा नहीं कि आपसे एंजाइटी का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें ऐसा नहीं कि वो आपको हैप्पीनेस का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हर 9 क्वेश्चन जो है वो डिप्रेशन का ही सिम्टम्स है, वो जो 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो डिप्रेशन के ही सिम्टम्स है, ठीक है। तो हम उसको आधा आधा बांट के भी देखते हैं, तो चीजें सेम आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन का रिजल्ट अलग आना चाहिए और 5 क्वेश्चन का रिजल्ट अलग आना चाहिए, नहीं, सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिजल्ट में आपकी, ठीक है। तो उसको हम लोग स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी बोलते हैं। आ गया समझ में? जी मैम। किसी को कोई दिक्कत हो? नो मैम। ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी या क्रॉमबैक अल्फा बताइए निष्ठा जी। यार मैम ये होता है आपने स्प्लिट आपके डिफरेंट वेज में एक तरह से स्प्लिट हाफ का ही है पार्ट है, और कंसेप्ट जो होता है इसको रिलायबिलिटी। ठीक है, पहला मैम इसमें लेफ्ट हो गई है ये मैम, ये जो है ना मैम, ये जो मैम आप बोलिए बोलिए मैम, जो इस इंटरनल कंसिस्टेंसी जो क्रॉमबैक अल्फा इसमें होता क्या है मैम? ये फिर से जॉइन हो गए शायद निष्ठा मैम, उनका शायद नेटवर्क इशू है। हाँ नेटवर्क इशू आ रहा होगा। निष्ठा जी जॉइन हो गई आप? हाँ लेफ्ट हो गए फिर से। अच्छा कोई नहीं, आप सौरभ जी आप बताइए इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है इसमें मैम? हम सबसे पहले ये करते हैं, हम अलग अलग इसको मैम तोड़ देते हैं, मतलब जितने हमारे एक तरह का स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी ही है, और ये मैम इसमें और मैम हाँ हाँ स्प्लिट हाफ में देखिए हम लोग दो भाग में डिवाइड करते थे, हाफ हाफ भाग में,
इसमें क्या है कि हम इसको इसको है हॉरिजॉन्टल, मतलब जो है इसको जो है हम लोग किसी तरह, हो सकता है कि वो 9 क्वेश्चन को हम तीन तीन क्वेश्चन करके डिवाइड कर दें, अगर तीन मतलब तीन थ्री थ्री जो आपका नाइन नाइन हो गया ना, तो तीन क्वेश्चन तीन क्वेश्चन तीन क्वेश्चन, मतलब उसको हाफ नहीं करके हम जो है तीन तीन भाग में डिवाइड डिवाइड कर दिए, ठीक है, या दो दो क्वेश्चन, मतलब क्योंकि हर क्वेश्चन जो है आपको डिप्रेशन ही स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसमें स्प्लिट हाफ में हमें दो भाग में मतलब आधा आधा करना होता था। इसमें जो है हमारा क्या है, हम जरूरी नहीं कि हम आधा आधा ही करें, तरीका स्प्लिट हाफ की तरह ही है, लेकिन हम इसको 3 बार भी डिवाइड डिवाइड कर सकते हैं, 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको हाफ में ही करें, हाफ में करेंगे तो स्प्लिट हाफ हो जाएगा, इसको डिफरेंट वेज में हम डिवाइड कर सकते हैं और उसका वैल्यू हमें निकालना होता है। अल्फा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 1 तक का आता है, 0.990 एक्सीलेंट हो गया, 0.880 वेरी वेरी गुड हो गया, 0.70 गुड हो गया, तो इसमें इसमें दिया हुआ है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको क्रॉनबैक अल्फा या इंटरनल कंसिस्टेंसी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे समझ में हाँ लीजिए। हाँ मैम, पर अल्फा वैल्यू मतलब अल्फा वैल्यू होता है कि जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसे एसपीएसएस जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, तो और इंटरनल कंसिस्टेंसी या क्रॉनबैक अल्फा निकालेंगे उसका, तो ये वैल्यू अपने आप आपका आ जाएगा जब भी आप ये इसको यूज करेंगे ना अपने सॉफ्टवेयर में, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो रिलायबिलिटी निकालने के लिए, तो जब भी आप इंटरनल कंसिस्टेंसी या क्रॉनबैक अल्फा यूज करेंगे तो ये वैल्यू अपने आप आ जाता है, ये आपको निकालना नहीं होता है, ये अपने आप ओके आपको वैल्यू दे देगा, तो बस अपने वैल्यू का पता होना चाहिए, ये एक्सीलेंट वेरी गुड लिख के नहीं आएगा, तो इसको जो है 0.70 करके आता है, ठीक है, जैसे कि मैं निकाली थी तो जो मेरा मेरा जो है 0.770 आया था, तो मुझे मतलब ये 70 देख के पता होना चाहिए कि मेरा गुड है, ठीक है, ये नहीं दिया हो, हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा, बस आपको इस वैल्यू से जानना है कि वो जो है एक्सीलेंट है वेरी गुड है फेयर है या पुअर है, ठीक है। इंटरलेटर मैं आपको बता ही रही थी कि लॉसी फॉर्मूला निकाल के कैसे करते हैं, कि इसमें एक्सपर्ट का एडवाइस लेते हैं, जब भी आपको मॉड्यूल बनाना है या PHQ-9 कभी भी बना होगा तो उसमें भी इंटरलेटर रिलायबिलिटी का यूज हुआ होगा, कि हमें जब भी नया टूल बनाते हैं या नया मॉड्यूल बनाते हैं तो उसमें एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं, और हर जैसे मान लीजिए 10 10 एक्सपर्ट का लिया, 20 का लिया, 30 का लिया, उसका CVR रेशियो अलग अलग होता है, बेस्ड है कि आपने कितने कितने एक्सपर्ट का एडवाइस लिया है, ठीक है, और उसके बाद फिर लॉसी फॉर्मूला से हम लोग जो है उसका वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन नियर है जो हमारे PHQ-9 में आएगा या हमारे योगा मॉड्यूल में आएगा, ठीक है, इसको इंटररेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। जब भी हम कोई नया टूल बनाते हैं या जब भी हम अपना योगा मॉड्यूल बनाते हैं तो उसका जो रिलायबिलिटी हम जब लेते हैं तो उसमें हम इंटररेटर रिलायबिलिटी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बताइए आपको इसमें से वैलिडिटी रिलायबिलिटी में किसी को कभी कोई दिक्कत हो? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें? कोई भी जितने लोग भी क्लास में है किसी को भी कोई दिक्कत हो? क्लियर है मैम, क्लियर है मैम? पीपीटी नहीं है हमारे नहीं पास। नहीं अभी तो पीपीटी में, अच्छा, पीपीटी अभी तक आपको नहीं मिला है, अच्छा कोई 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 बात नहीं है, मैं जितेंद्र जी को की हुई हूँ मैसेज, आज आ जाएगा आपके पास पीपीटी, ठीक ओके ओके थैंक यू मैम। है, तो आज पीपीटी मिल जाएगा आपको, और अच्छा चलिए कल, अब तो मंडे को ही क्लास होगी आपकी, मंडे को मैं खुद ही लूंगी और स्टैटिस्टिकल का ही हम लोग स्टैट्स का ही क्वेश्चन आगे आगे करेंगे हम लोग, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक खत्म हो गया था आपका, और मंडे को हम लोग जो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, चलिए क्लास खत्म हो रही थी आपकी यहाँ पे।